नमस्कार, मैं रितु आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस प्रोग्राम आपके शहर में। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS जनरल बिपिन रावत ने शुक्रवार को कहा कि भारत और चीन दोनों को क्रमिक रूप से पूर्व लद्दाख की यथास्थिति बहाल करने में समक्ष होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही देश ये समझते हैं कि क्षेत्र में शांति और अमन स्थापित करना उनके सर्वोत्तम हित में है। एक विचारक संस्था के कार्यक्रम में अपने संबोधन में जनरल रावत ने कहा कि इसी के साथ भारत को किसी भी दुस्साहस के लिए तैयार रहना चाहिए और जैसा उसने पूर्व में किया उसी तरह की प्रतिक्रिया देनी चाहिए। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मैं यही कहूंगा कि अपनी निगरानी बढ़ाइए, तैयार रहिए, चीजों को हल्के में मत लीजिए। हमें किसी भी दुस्साहस और उस पर प्रतिक्रिया के लिए भी तैयार रहना चाहिए। हमें पूर्व में ऐसा किया है और भविष्य में भी ऐसा ही करेंगे। लंबे समय से चले आ रहे गतिरोध के समाधान के बारे में जनरल रावत ने कहा कि विवाद जुलझने के लिए दोनों पक्ष राजनीतिक, कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर बातचीत कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, CFI समाचार। देश में कोरोना वायरस का कहर अभी स्थिर बना हुआ है और संक्रमण के नए मामलों में अधिक बढ़ोतरी दर्ज नहीं हो रही है। दूसरी तरफ देश में कोरोना वायरस की तीसरी लहर आने की भी पूरी आशंका बनी हुई है। ऐसे में लोगों के द्वारा मामूली सी लापरवाही भी बहुत भारी पड़ सकती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने टीकाकरण और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने पर शुक्रवार को जोर देते हुए कहा कि महामारी की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है, इसीलिए लापरवाही नहीं बरते। महामारी की स्थिति पर संवाददाता सम्मेलन में एक अधिकारी ने कहा कि लोग अपने सुरक्षा उपायों को कम नहीं कर सकते हैं और नहीं करना चाहिए। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में संक्रमण से 853 और लोगों की मौत के बाद इस वैश्विक महामारी की वजह से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 4,312 हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, CFI समाचार। जी हाँ, आज के लिए बस इतना ही। रुकते हैं, कल फिर मिलते हैं सेम टाइम सेम प्रोग्राम सेम चैनल में। तब तक के लिए हमारे चैनल CFI समाचार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।